हाँ जी बेटा, तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। इसमें आप काफी सारे किंग्स के बारे में पढ़ेंगे, काफी सारे किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। किंगडम्स जैसे कि जो बड़े बड़े साम्राज्य होते थे, जो बड़े बड़े एम्परर्स होते थे, वो कैसे वर्क करते थे, किस तरह से उनका एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क कैसे होता था, उन्हें पैसा कहाँ से मिलता था सब कुछ करने के लिए, फ्रॉम वेयर डू दे कलेक्ट ऑल द टैक्सेस, हाउ, व्हाट इज द मोड ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैनी न्यू डायनेस्टीज एमर्ज। डायनेस्टीज, डायनेस्टीज का मतलब क्या होता है? साम्राज्य, जो बड़े बड़े राजा के साम्राज्य होते हैं। और हम किस कौन सी सेंचुरी के बारे में पढ़ रहे हैं? सेवन सेंचुरी के बारे में, वी आर रीडिंग अबाउट सेवन सेंचुरी। और आज कौन सी सेंचुरी है? 21st सेंचुरी। अब जिस सेंचुरी में हम रहते हैं वो है 21st सेंचुरी। सो नियर अबाउट आप देख सकते हैं 14 सेंचुरी से पहले। एक सेंचुरी में कितने ईयर्स होते हैं? 100 ईयर्स होते हैं। एक सेंचुरी में होते हैं 100 ईयर्स। तो हम इतना उसके बारे में, आप इतना पुराना हम पढ़ेंगे। मैप वन शोज द मेजर रूलिंग डायनेस्टीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द 7th एंड 12th सेंचुरीज। ये देखिए, ये आपके सामने मैप है। ये मैप आप लोग अपनी नोटबुक में भी पेस्ट करेंगे। और कौन कौन से आपको इसमें पेस्ट करने हैं? चहमनास, चहमनास जिन्हें आप चौहान्स कहा जाता है, पालास, देन गुजरा प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, चोलास, ओके, कलिंग, ये सब हैं जो आपको अपने मैप में मार्क करने हैं। अपनी नोटबुक में आपको एक मैप पे मार्क करके अपनी नोटबुक में पेस्ट करने हैं। चहमनास, गुजरा गुर्जर प्रतिहारास, कलिंगा, राष्ट्रकूटास, पालास एंड चोलास, ये सारी बेटा डायनेस्टीज हैं। कलिंगा तो एक प्लेस का नेम है, बट राष्ट्रकूटास, चोलास, चेराज, ये सब उस समय के क्या थे? हमारे बड़े बड़े जो राजा थे, ये उनके बारे में हम, जो हमारे डायनेस्टीज के रूलर्स थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, नाउ द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। देखो नई नई डायनेस्टीज कैसे इमर्ज हुई, कैसे कैसे शुरू हुई, वो ये ऐसे हुई कि 7th सेंचुरी में बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे और वॉरियर चीफ्स थे। अलग अलग रीजन्स में जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, इनको कहा जाता था समंत। इसको क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था समंत। समंत या उन राजा के सबॉर्डिनेट की तरह से ये लोग वर्क करते थे। ये लोग क्या करते थे? ये मतलब जो फॉर देयर किंग्स आर ओवरलॉर्ड, जो राजा वगैरह होते थे, राजा के लिए किंग गिफ्ट लेके जाते थे और उन्हें मिलिट्री सपोर्ट मिली। जब भी कोई राजा लड़ाई के लिए जाता था तो ये उन्हें मिलिट्री, यानी कि समंत जो होते थे, ये अपनी एक अलग ही मिलिट्री फोर्सेस बना के रखते थे। और जब राजा किसी भी वॉरफेयर के लिए जाते थे तो ये अपनी मिलिट्री जो है वो राजा को प्रोवाइड करते थे। बट जैसे जैसे इन्हें पावर और वेल्थ मिलती गई तो इन्होंने अपने आप को क्या क्या कहना शुरू कर दिया? महासमंत कहना शुरू कर दिया, या महामंडलेश्वर कहना इन्होंने शुरू कर दिया, यानी कि ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल। और कभी कभी क्या करते थे, जो राजा होते थे उनसे भी ये अलग हो जाया करते थे और अपना अलग ही रूल करना शुरू कर देते थे समंत को। ठीक है, अब जो एक इंस्टेंस था राष्ट्रकूटास के बारे में, डिक्कन। देखो डिक्कन, ये जो राष्ट्रकूटास का एरिया है जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको हमने डिक्कन कहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है? डिक्कन प्लेच्यू है, तो उसको हम डिक्कन कहते हैं। तो ये डिक्कन प्लेच्यू के एरिया में है, तो ये डिक्कन का एरिया है राष्ट्रकूटास का। ठीक है, ये क्या करते थे? इनिशियल देवर सबॉर्डिनेटेड के, ये शुरू में किसके थे? ये चालुक्यास के साथ काम करते थे। जो चालुक्यास थे ये चालुक्यास के सबॉर्डिनेट की तरह काम करते थे। चालुक्य जो थे इनके, मतलब इनके ऊपर थे, जो इनके लॉर्ड थे, और ये उनका एज अ सबॉर्डिनेट काम करते थे। जो कहाँ के थे चालुक्यास? कर्नाटक के थे। बट मिड 8th सेंचुरी में जो एक दंती दुर्ग था, दंती दुर्ग कौन थे? ये एक राष्ट्रकूटास चीफ थे, राष्ट्रकूटा के रूलर थे, मतलब उनके लीडर थे दंती दुर्ग। तो इन्होंने क्या किया था? चालुक्यास को खत्म करके और इन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म किया था जिसको कहा था हिरण्य गर्भ। हिरण्य गर्भ में क्या होता था कि जैसे कि पहले कहा जाता था कि जो क्षत्रियाज होते थे, सिर्फ राजा क्षत्रिय बन सकते थे, तो ये क्या, ये रिचुअल परफॉर्म करते थे विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण। ब्राह्मण की हेल्प से एक रिचुअल परफॉर्म की जाती थी, एक यज्ञ परफॉर्म किया जाता था, जिसमें ये माना जाता था कि अब से जो यज्ञ कर रहा है उसका दोबारा जन्म हुआ है और वो एक क्षत्रिय बन चुका है। यानी कि बाय बर्थ नहीं, बट यज्ञ करने के बाद अब वो एक क्षत्रिय बन चुका है। इसको कहा जाता था हिरण्य गर्भ, यानी द गोल्डन बॉम्ब। ठीक है, ऐसे और भी जैसे मिलिट्री स्किल्स, इसमें और भी एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, जैसे कि कदम्ब, मयूरा शर्मन का नाम दिया गया है। ठीक है, और गुर्जर प्रतिहारास के हरिचंद्र का नाम दिया गया। ये एक्चुअली में शुरू में ब्राह्मण्स थे,
ये ब्राह्मण थे, बट इन्होंने क्या किया, अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशंस को अपना खत्म करके, ब्राह्मण जो इनका यज्ञ करने का पूजा पाठ का था, इसको उन्होंने खत्म कर दिया। और ये इन्होंने क्या बन इन्होंने क्या अपने नए नए किंगडम बनाने शुरू कर दिए कर्नाटक में और राजस्थान में। इन्होंने अपने ही किंगडम बनाने, यानी कि ब्राह्मण से ये क्षत्रिय की तरफ चले गए, और ब्राह्मण तो अपना ब्राह्मण का काम छोड़ के ये क्षत्रिय बन गए। ओके, तो ये हमने इस पहले पैराग्राफ में पढ़ा है। आई होप आप सबको ये पहला पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हम इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होती थी इनकी, इनका काम काज कैसे चलता था। जो नए नए राजास थे, जो किंगडम्स थे, उन्होंने ना बड़े बड़े टाइटल्स उन्होंने अडॉप्ट कर लिए, जैसे कि महाराज, धीराज कहा, या त्रिभुवन चक्रवर्ती, त्रिभुवन चक्रवर्ती मतलब हमारे थ्री वर्ल्ड माने जाते थे। थ्री वर्ल्ड, एक तो आपकी धरती हो गई, ठीक है, लैंड हो गई, एक पाताल और एक स्वर्ग, तो तीन जो थे वो चक्र माने जाते थे। तो उन्होंने कहा कि ये उनके भी राजा हैं, मतलब बड़े बड़े राजा, इन बड़े बड़े नाम ही अपने आप को दे देते थे। बट इतना सब कुछ, इतने बड़े बड़े नाम होने के बाद भी इनकी जो पावर थी, समंत के साथ शेयर होती थी, ठीक है, पीजेंट्स के साथ, ट्रेडर्स के साथ, ब्राह्मण के साथ, जो बड़े बड़े लोग होते थे उनके साथ इनकी पावर शेयर होती थी। रिसोर्सेज कहाँ से ऑब्टेन, यानी कि जो पैसे थे इनके पास, जो रिसोर्सेज थे, पैसे कहाँ से आते थे, प्रोड्यूसर्स से। प्रोड्यूसर्स यानी कि इसमें कौन कौन आते थे, जैसे पीजेंट्स हो गए, किसान हो गए, कैटल कीपर हो गए, आर्टिसंस। आर्टिसंस कौन होते हैं बेटा, जो चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि मतलब आप मानो जैसे कि ये पॉटरी करने वाले, पेंटिंग करने वाले, बास्केट बनाने वाले, जो भी आर्ट से रिलेटेड काम करते हैं वो सारे आर्टिसंस कहलाते थे। उन्हें क्या कहते थे, उनका ये था कि जो भी वो काम, जो भी प्रोड्यूस करते थे, उनका एक पार्ट उन्हें देना होता था। उन्हें पार्ट देना होता था, मतलब जैसे अगर कोई पीजेंट है, किसान है, तो जो उतनी भी उसने फसल उगाई है, उतनी फसल का उसको देना पड़ता था, कि फसल का 1/10 जो है वो राजा को दे दिया। अगर 100 kg, मान लो एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर 100 kg जो है वो उनके व्हीट उन्होंने प्रोड्यूस किया है, तो 10 kg वो किसको दे देंगे, राजा को दे देंगे एज अ टैक्स, ठीक है। जो आर्टिसंस होते थे उन्हें, जैसे कि अब सोनार है तो वो सोने के कंगन बना के दे देंगे, और अगर ब्लैक स्मिथ है, लोहार है, तो या तो वो राजा को हथियार बना के देंगे, या राजा के महल में कुछ काम करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये इस तरह से ये अपना जो टैक्स वगैरह था पेमेंट करते थे, और साथ साथ ना जो ये लैंड ऑन करते थे, जो इनके लैंड होती थी उससे भी ये क्या करते थे, रेंट कलेक्ट करते थे, ठीक है, क्या कलेक्ट करते थे, रेंट, यानी कि उनसे किराया वसूलते थे। और जो ट्रेडर्स होते थे, जो दूर दूर से जो ट्रेडिंग करने वाले थे, मतलब एक इलाके से दूसरे इलाके में जाके जो लोग बिजनेस करते थे, उनसे भी ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उनसे ये पैसे कलेक्ट करते थे। आगे इंस्क्रिप्शन में आपको बता रखा है कि तमिलनाडु में जो चोलास थे, लगभग 400 टर्म्स, अलग अलग तरह के टैक्सेस, 400 अलग अलग तरह के टैक्स थे। इसमें मोस्ट फ्रिक्वेंटली एक था वेटी। वेटी मतलब ये एक कैश के फॉर्म में नहीं लिया जाता था, ये फोर्स लेबर के फॉर्म में लिया जाता था। फोर्स लेबर का मतलब क्या होता है, कि जैसे कि उन्हें अपने यहाँ पे कुछ काम करने के लिए क्या, जैसे कि कारपेंटर है, तो राजा अपने महल में उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कारपेंट्री का काम, वुड का काम करवाते थे। तो इस तरह से फोर्स लेबर के फॉर्म में जो टैक्स किया जाता था, तो वेती कहते थे। और दूसरा कदमाई। कदमाई क्या था, ये था लैंड रेवेन्यू, मतलब जो जमीन, जो आपका घर बना हुआ है या आपकी फैमिली प्रॉपर्टी है, तो राजा क्या कहता था कि सारा इलाका मेरा है, अगर आपकी फैमिली प्रॉपर्टी है, अगर आपका घर बना हुआ है, तो आपको उसके बदले मुझे रेंट देना होगा। तो ये एक कदमाई तरह का टैक्स था। इन रिसोर्सेज से क्या होता था, राजा एस्टेब्लिशमेंट करता था, यानी कि अपने आप को फाइनेंस करता था, अपनी आर्मी मेंटेन करना, अपना जो, जैसे राजा का बहुत बड़ा महल होता था, तो महल में बहुत सारे नौकर चाकर होते थे, दास दासी होते थे, उन सबको मेंटेन करना, टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करना, फोर्ट्स कंस्ट्रक्ट करना। और ये क्या करते थे, ये वार्स, फाइट वार्स, ये लड़ाइयाँ करते थे। लड़ाई क्यों करते थे, लड़ाई इसलिए करते थे कि ताकि इन्हें लैंड मिल जाए और ट्रेड रूट मिल जाए। अगर एक इलाका, यहाँ पे ट्रेड होना है, यहाँ पे ट्रेड होना है, तो जो इसके बीच का जो रूट होता था ना, जो इस इन 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 दोनों एरियाज को आपस में जोड़ने वाला रूट होता था, यहाँ से भी टैक्स कलेक्ट किया जाता था। तो ये लोग आपस में क्या करते थे, लड़ते थे। ये क्यों लड़ते थे, ये इसलिए लड़ते थे कि हमें लैंड, जितना ज़्यादा लैंड होगा उतना ज़्यादा रेवेन्यू होगा, उतने ज़्यादा टैक्स पे करने वाले लोग होंगे। तो ये इस तरह से आपस में ये वॉर करके और एक दूसरे की लैंड को एक्वायर करते थे। इस तरह से फंक्शनिंग रेवेन्यू कलेक्शन में भी दे रखी है कि जो पोजीशन होती थी वो हेरिडेटरी होती थी। अब हेरिडेटरी का मीनिंग मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी समझाया था। हेरिडेटरी मतलब यानी कोई पोजीशन आपके पापा के पास थी, फिर वो आपको मिलेगी, फिर आगे आपके बच्चों के पास जाएगी, मतलब बाय हेरिटेज, परंपरागत तरीके से जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो पोजीशन चलती आ रही है,
उसको हम कहते हैं हेरिडेटरी। तो इस केस में क्या था, जो राजा थे वो अपने क्लोज रिलेटिव्स को ही इन पोजीशंस को दिया करते थे कि जो मेरे क्लोज रिलेटिव्स हैं उन्हें पोजीशन ये दे दी, अब वो बन गए, फिर उनके बेटे बनेंगे, इस तरह से वो अपने फैमिली रिलेटिव्स की हेल्प किया करते थे। ओके,